हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पनीर बनाकर दिखाएंगे कि घर पे कैसे पनीर बना लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए, ये मेरा 4 लीटर के लगभग दूध है, 3.5 लीटर के लगभग। तो हम इसी को पनीर बनाएंगे। तो देखिए, ये मेरा दूध है, मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और मेरा दूध गर्म हो रहा है, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, तब तक मैं पनीर का जो पहले बनाए थे वही रखे हैं। तो देखिए, ये उसी का पानी है, मैंने बाटल में रखे हैं और इसी से पनीर बनाना बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए, मेरे कितना अच्छे से दूध गर्म हो चुका है। अब इसमें जो पनीर का पानी पहले से बना के रखे थे वही इसमें डालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से मेरा दूध उबाल आ रहा है। अब इसी में हम डालेंगे जो पहले का पनीर बना के रखे थे उसी का पानी है। उससे अगर नहीं होगा तो आपके घर नींबू होगा, उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं, उससे और आसानी रहता है। तो देखिए, मैंने डाल दी है। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि मैं ये पनीर खूब अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए, मेरा पनीर बन रहा है। इसको चम्मच से चलाते रहिए थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, मेरा पनीर जो है अच्छे से बन चुका है। तो देखिए, ये दूध अलग और पानी अलग हो चुका है, पनीर अलग हो चुका है और पानी अलग हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही ज़रूर एक बार पनीर बनाए घर पे। बहुत ही आसान तरीका है पनीर बनाना। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, मेरा पनीर जो है बन के तैयार हो चुका है। और ये रखे हैं मैंने कपड़ा, और सूती का कपड़ा रखे हैं। अब इसको खूब अच्छे से इसी में छान लेंगे। तो देखिए, मेरा कितना अच्छे से इसमें पनीर अलग और पानी अलग हो जा रहा है। आप भी इसमें एक बार जल्दी पनीर बनाए। तो देखिए, मेरा पनीर जो है इतना सारा पनीर बना है मेरा। अब इसको खूब अच्छे से इस साइड से हम कपड़ा उठाएंगे। तो देखिए, मेरा पानी अलग हो चुका है और पनीर जो है अलग हो चुका है। अब इसको खूब अच्छे से किसी प्लेट में रख देंगे पानी गाड़ने के बाद। तो देखिए, मेरा इतना पनीर बना है। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए, मैं पनीर को एक ऐसे थाली में रख दिए हैं। मेरा पानी जो निकलेगा इसका वो अंदर चला जाएगा। और इसको खूब अच्छे से एक प्लेट के माध्यम से इसको दबा देंगे। तो ये खूब फिनिशिंग मेरा पनीर बन के तैयार हो। तो इसको खूब अच्छे से दाब देंगे, नीचे तरफ हम दबा देंगे। और देखना, थोड़ी देर के बाद मेरा पनीर बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया होगा। तो इस कपड़े को हटा देती हूँ। तो देखिए, मेरा कितना अच्छा पनीर बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही पनीर बना के तैयार करें घर पे, और एक बार बना के कमेंट करें, बना के खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का पनीर कैसा बना।